इन द मोस्ट एफिशिएंट वे राइट सो हाँ और इतनी आसान सरल चीज है ओम का उच्चारण कि उसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कुछ तैयारी नहीं करनी उसके पहले। हाँ। जब मन में आए, जब अच्छा लगे, आप सुबह उठिए हरि ओम बोलिए, शाम को सोने के समय हरि ओम बोलिए, जिससे मिलते हैं उससे हरि ओम बोलिए, नहीं मिलते हैं उसके लिए हरि ओम बोलिए। मतलब हरि ओम बोलने के लिए इतने तरीके सर्वम हरि ओम अस्ति। हाँ अस्ति अस्ति। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले सर्वप्रथम मोहा जी 7:30 सार्ध सप्त वादने आगच्छति एव लिखति समूहे संदेशः अस्ति महोदयस्य। ओके ओके अस्तु अस्तु धन्यवाद। तत्पर्यंत सा आगच्छति। बाणः बाणः तो बाणः कः साधति? बाणः अर्जुनः साधति। हां इदानीं अन्य प्रश्न पृच्छतु नवीन महोदय। बाणम हां महोदय नवीन महोदय। नहीं नहीं आपको प्रश्न पूछना है नवीन महोदय से। ओके ओके बाणम कथम अस्ति बाणः कथम अस्ति कथः न कथम अस्ति कथम बाणः कथम अस्ति बाणः कथम अस्ति बाणः हस्ते अर्जुनस्य हस्ते अस्ति तमम तमम महोदय एवं बाणः तीक्ष्णम् अस्ति तीक्ष्णः अस्ति तीक्ष्णः अस्ति ओके अस्ति एवं बाणः दिव्यम् दिव्यः अस्ति दिव्यास्त्रः अस्ति सो कथम् अस्ति के बहुत बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। ओके से हस्ते एक उत्तर है नवीन जी ने जो दिया अच्छा है। और आपने क्या सोच के पूछा था आप भी अपना उत्तर बता दीजिए यदि कुछ मन में है। मेरा तो वो क्या बोलते इसका मैं कसम से वो राम है ना राम बाण है क्या राम हस्ते हाँ रामस्य हस्ते तो रामस्य ओके 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 राम के हाथ में तो अस्य जो लगा है ना ये विभक्ति है एक तरह की जो अभी हम okay. सीखेंगे विभक्तियां शायद आपने नहीं सीखी है बाकी लोग इस बैच में सीख चुके हैं तो इसलिए उनको उसकी और आसान होगा। हाँ तो आप okay. यदि बैच 2 वाले क्लास में कक्षा में आएंगे तो हम विभक्ति वहां पे भी एक बार पूरी कर लेंगे। अरुण महोदय अरुण महोदय महोदय अहम अहम भव अहम अहम YouTube लिंक प्रेषयामि महोदय YouTube मध्ये ओके संस्कृतं पठामि That will also
make it much easier. In this class also with our Acharya Mahodaya, you can converse in Sanskritam. I also sent that to you, Acharya Mahodaya. I recently found it. Okay. ठीक है ठीक है बिल्कुल समूह में आप भेज दीजिएगा समूह में भेज दीजिएगा हम भी बैच वन बैच टू दोनों आपके पास है क्या या बैच वन है अभी ओनली तो मैं बैच में भेजूंगा वो ये टीटीडी है ना तिरुमला तिरुपति देवस्थान हाँ ओके उनका ओह अच्छा हाँ उनका वो फ्री संस्कृति पढ़ा रहे क्या हाँ ओके ओके लिंक सेंड कर दीजिए पढ़ा रहे बोले तो ये क्लास नहीं वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है ऑलरेडी पोस्टेड है यूट्यूब में ओके 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 बट देखने से भाषा थोड़ी आ जाएगा तो देखने से नहीं आएगा ना हाँ महाराज बिल्कुल ये तो अच्छी बात है और हमारी कक्षा में भी हमने जहाँ पे विभक्तियों वाला सेशन किया होगा ना मैं भी कोशिश करूंगा कि वो सेशन मिल जाए तो वो भी भेज दूंगा तो आप नवीन जी वाला भी हम लोग देख लेंगे और ये वाला भी जिसको मतलब जिससे आपको ज्यादा समझ में आए उससे अभ्यास भी हो जाएगा वो टीडी का भी तो गंदा हाल करते हैं हमारा सीएम ने कर रहा है पर हाँ अब थोड़े लोग जाग भी रहे हैं जैसे वो जे साई दीपक जी हैं वो भी तो उसके लिए ही काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं काम कर रहे हैं उनसे सीखना पड़ेगा कोशिश कर रहे हैं बहुत अभी एक पूरा दो तीन राज्य में ऑलरेडी चालू हो गया है उत्तराखंड में हो गया कि पूरे मंदिर मतलब मुझे पता नहीं महोदय मेरा मन में एक और प्रश्न था गुजरात में भी है ऑलरेडी महोदय वो उत्तराखंड क्या है ना वो टेंपल्स फ्री कर चुके हैं अब किसका कंट्रोल में है मतलब कौन उसे मैनेज कर रहे हैं अब लोकल कम्युनिटीज मेरा डाउट वो लोकल कम्युनिटीज ओके वो पता नहीं वो भी करेंगे या खाके रहेंगे वो तो देखना पड़ेगा देखो हाँ, सरकार के कब्जे में रहने से अच्छा तो लोगों के हाथ में रहे कम से कम जैसे मैं मंदिर जाता हूँ लोगों के हाथ में भी थोड़े लोग होते हैं जो उसको भी गलत इस्तेमाल करते रहते हैं फिर भी कंट्रोल तो अलग अलग रहेगा ना जैसे आपके मंदिर आपके पास हमारे इधर के मंदिर हमारे आसपास ट्रस्ट जो मेंटेन करना पड़ेगा तो डीलोकलाइज्ड रहेगा मतलब सबका अपना अपना रहेगा डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा तो फिर कुछ तो अंतर आना ही एक चाहिए जैसा विश्व हिंदू परिषद है ना ऐसा एक ट्रस्ट बनाना चाहिए वो मुझे लगता है या तो बना रहे हैं ऑलरेडी वो चीज जैसा अब इस कान जो कर रहे हैं ना इस कान का वो सेपरेट अलग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा एक कानून लेके आना चाहिए कि जो भी भूमि है और उसको कोई भी नहीं सकता वो स्कॉलर्स की कंट्रोल हो तो बहुत अच्छा होगा मतलब जो पंडित होते हैं ना जो पढ़ के और सब आते हैं उनके जो आचार्य लोग आजकल संस्कृत महाविद्यालयों से या मठों में रहते हैं इन लोगों को धीरे धीरे सभी मंदिरों का कंट्रोल आए तो अच्छा होगा जैसे अब इस्कान भी है देख लीजिए वो कैसा ट्रस्ट वो मेंटेन कर रहा है उसी तरह करना पड़ेगा मुझे लगता है तो इसीलिए तो धर्म संसद का प्लान कर रहे हैं अभी लोग कि धर्म संसद हो उसमें ये सब प्लान करना है कि मंदिर फिर कैसे संभाले जाएंगे अभी हम एक बना रहे हैं काफी बड़ा ये संस्था की योजना बना रहे हैं उसके लिए जिसमें महोदय कार प्रश्न था मेरा मन में एक कार पूछ लेता हूँ वो जो तमिल के लोग होते ना लोग
वो संस्कृत को पसंद नहीं करते, वो कहते कि ये महाभारत रामायण ऐसे भी ये माइथोलॉजी है, सभी फेक स्टोरीज है, जैसा वो वैसा बोल जाते हैं। उनको सरोज बालाजी हैं, एक हिस्टोरियन हैं, एक इतिहासकार हैं, सरोज बाला, ठीक है, इनका हाँ, नाम लिख लो। इनके वीडियोस आपको इसमें यूट्यूब में भी मिल जाएंगे आजकल, तो सरोज बाला महोदय ग्रुप में एक बार लिख लीजिए। ग्रुप में मैं लिख दूंगा, और आप एक बार खुद से पहले उनका देखिए, आपको भी मन में ओके, काफी कुछ समझ में आएगा, क्लियर होगा। और फिर जो हाँ भी ये सब बातें करता है उनको वो चीजें ठीक दिखानी है, है, आम आम महोदय, क्योंकि हम जानेंगे तभी दूसरों से बात कर पाएंगे, हाँ, वही वही, है ना। तो हमको इसीलिए आज जानना पहले आवश्यक है, भले ही 2 बार देखिए, 4 बार आवश्यक देखिए, 5 बार देखिए, पर हमको पहले समझ में पहला आए कि वो क्या अच्छे बात से, कर रहा है। हाँ, जानकार लेके उसके बाद कुछ भी डिबेट करने को तैयार रह सकते हैं, हाँ, कोई पूछे तो। क्योंकि ये पूरी जीन्स की स्टडीज और वो सब उन्होंने सब कर किया है, कि जो ओके, भारत के आसपास के और भारत के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के जो जीन्स हैं कैसे कैसे डेवलप हुए हैं पिछले 12-13 हजार साल से, तो वो पता चला कि एक सिंगल जीन ही है और कोई चेंज नहीं है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मतलब जो नॉर्दर्न सदर्न सब लोग सोचते हैं या कोई सेपरेशन बोलने की कोशिश करते हैं, और कोई भी बाहर से कोई जीन का इन्फ्लो नहीं हुआ, दैट मींस, और वो बाहर आर्यन थ्योरी और वो बाहर, सब वेस्ट है, हाँ, कोई ये आर्यन्स कभी नहीं आए। AIT हाँ, वो सब आर्यन इन्वेजन थ्योरी वो सब बहुत बड़ा ये वो सब होक्स फेक है, बहुत फेक बड़ा कह रहे। फेक स्टोरी है जो बनाने की कोशिश की, सो हाँ, दैट हमको लगे कि और मुझे एक हम। और बात भी, मतलब वो तमिल संस्कृत से ज्यादा ओल्ड लैंग्वेज है ऐसा बोलते हैं, पता नहीं। वो हो सकता है, कोई देखो उसमें कोई कंपटीशन थोड़ी ना, हाँ हर भाषा एक अच्छी भाषा है, हाँ कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, लेकिन संस्कृत इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक हाँ, कॉमन भाषा बन ब्रेन सकती है डेवलप सबके डेवलप फॉर, कम्युनिकेशन के लिए। हाँ कॉमन, हाँ इसके लिए सी, मतलब, ब्रेन डेवलपमेंट इज अ पर्सनल गोल, पर कॉमन भाषा हाँ कि आप मुझसे बात कर सके, मैं नवीन जी से बात कर सकूं, नवीन जी मोआ जी से बात ओके, कर हाँ सके, इसके लिए ऐसा एक कॉमन कॉमन भाषा, एक तो हिंदी है संस्कृत काफी हद तक हिंदी भी है, लेकिन संस्कृत ओके, क्योंकि इतनी पुरानी है और ओरिजिनल है, हिंदी भी संस्कृत में से ही निकली है, तो संस्कृत, व्हाई नॉट संस्कृत, बिकॉज इट्स द कोर लैंग्वेज, वो इंग्लिश बेस लैंग्वेज है जिस। की जगह उसे यूज करना पड़ेगा, तब तो ब्रेन्स बहुत शार्प हो जाएंगे सबका। हाँ, तो हाँ भाई, नवीन जी, आज आपकी आवाज बहुत कट रही है, या मेरे को ही कट रही है, मुझे नहीं हाँ लग पता, आप कट रहे हैं। बीच-बीच में हाँ, मैं नॉट। तो वीडियो वीडियो भी बंद कर चुका हूँ, फिर भी कट रही है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा वो नहीं मुझे कट रही, लगता मतलब जनरली आप क्या बोल रहे हैं मालूम पड़ रहा है, है। हाँ पर बीच-बीच में ऐसे वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, फिर आता है, फिर साइलेंट हो जाता है, फिर आता है, ऐसे थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। ओके, नहीं मैं बोल रहा था अरुण जी से, तमिल शायद पुरानी भाषा हो सकती है, मगर सारे बहुत सारे भाषा संस्कृत मूल भाषा है, बहुत सारे भाषाओं को, लाइक जैसे तेलुगु, कन्नड़ा के, मलयालम, तमिल, हाँ तमिल में भी बहुत सारे संस्कृत पदानी है, तो एग्जैक्टली, जैसे करुणा निधि नाम ही है बहुत सारे, तो वो तो पूरा का पूरा नाम ही संस्कृत में है, और जबकि वो खुद वो आदमी संस्कृत का विरोधी है या हिंदी का विरोधी है वो तो हाँ, वो तो बहुत हिंदू का विरोधी है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारा ये क्या बोलते हैं, लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम आंग्ल भाषा को हटाना चाहिए, ब्लाइंड और लैंग्वेज, हाँ, अपनी चाहे आप तमिल उपयोग लैंग्वेज। करो, चाहे तेलुगु उपयोग करो, चाहे हाँ, हिंदी करो, भी पर हो आंग्ल गए, नहीं चाहिए। मैं सीखने के हाँ लिए तैयार हूँ। आप भारत के भाषा में से कोई भी भाषा बाइंडिंग लैंग्वेज बनाओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मगर आंग्ल आंग्ल भाषा को इंग्लिश की हटाइए। जरूरत नहीं है। हाँ, आंग्ल और इतर ब्रामैनिक लैंग्वेजेस। हाँ, हमें आंग्ल भाषा बाहर की भाषा है ना, बाहर की भाषा हम जो हाँ बनाते हैं, बाइंडिंग लैंग्वेज, बाइंडिंग लैंग्वेज भी
one of our own languages. Why should it be an outside language? हाँ महादेव, वो जो साइंस है ना, साइंस स्टडी सब करते हैं ना अब इंग्लिश में, वो सारा संस्कृत में है तो बहुत अच्छा होगा. हाँ वो जैसे हिंदी बोलेंगे तो ऐसा संस्कृत भी यूज किया तो टेक्निकल वर्ड्स भी यूज किया तो उसका थोड़ा फायदा होगा हमारा ब्रेन का. भाषा है तेलुगु, कनाडा और मलयालम और मराठी, मराठी भी. सो इफ यू रिमूव संस्कृतम फ्रॉम दी लैंग्वेजेस, हाफ ऑफ लैंग्वेज विल गो अवे. सो या या, सो हाफ ऑफ द लैंग्वेज इज मेड ऑफ संस्कृत ओनली. संस्कृत तो हां, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. तमिल में भी बहुत है. हां मां कंटिन्यू कर. अयो हम उसका तो भूल ही गए थे महोदय, चमस को. तो तरुह कुत्र अस्ति नवीन महोदय? तरुह मम समीपे अस्ति. उत्तमम उत्तमम. तरुहु उपरि एक पक्षी अस्ति. वानरः. इदानीं प्रश्न पृच्छतु. पर्वतः उपरि किम् अस्ति? पर्वतः उपरि किम् अस्ति? पर्वतः उपरि अरुणा अस्ति. उत्तमम्. मेरा नाम आगे. और अभी एक और चीज ध्यान देना कि जैसे कुत्र अस्ति मैं बोल रहा हूँ या किम अस्ति बोल रहा हूँ तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं. कुत्रास्ति, किमास्ति, ये जुड़ सकते हैं. संधि हो. एक मिनट रुकिए, कोई दरवाजे पे है अभी, घर पे कोई नहीं है. देख क्या सवन नदी. हाँ महोदय, हम नवीन महोदय. चपंडी अरुण गार. चपंडी बॉन्डरा. हाँ बॉन्डरा. मेरे का एकड़न के ऊरे थे. हमारी चित्तूर पुंगलोर देख रहा. मेरी చిత్తూరా? మాది మాది హైదరాబాద్ అండి. నేను పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ లో. ఓకే. కానీ మా అమ్మ వాళ్ళది కృష్ణ జిల్లా. కృష్ణ జిల్లా చెమ్మెదాం అంటే గుడివాడ తెలుసా? बेल को क्या बोलते हैं? घंटा, घंटी. घंटी बजती को घंटा है बोलते हैं ना. घंटा है होता है. घंटा बजती जटा चा. हाँ महादेव, घंटा बनाना भी पड़ेगा. भवान् गृहे मित्रम् आगच्छति वा आचार्य महोदय? न न, मित्रं नास्ति. नास्ति. अस्तु अस्तु. दुग्ध डिलीवरी वाला क्या बोलते हैं? दुग्ध डिलीवरी वाला कुरियर. कुरियर को क्या बोलते हैं? जैसा हनुमान जैसा कुरियर करता है ना. दुग्ध वाहक. दुग्ध वाहक. ओके. दुग्ध वाहक, दूध का ड्राइवर. am I right? दूध का ड्राइवर या दूध का कैरियर. वाहक मतलब जो दूध का वहन करता है. वैसे जो कैरी करता है उसे क्या बोलते हैं? मतलब वही वही. संस्कृत में वहन करना. वाहक वाहक. ओके धन्यवाद. अहम वहामि. अहम वहामि. मैं वहन करता हूँ. हाँ हाँ.
यत्वं वहसि या सह दुग्धवाहक वहति दुग्धवाहति तो हाँ मम प्रश्नः नहीं मेरा आपका प्रश्न हो गया था क्या नवीन महोदय हाँ उनके हो गया था वो पूछा था मैंने आंसर दे दिया महोदय भवतः दुग्धः गिर शुद्धः वा मम दुग्धः शुद्ध भारतीय धेनु धेनवस्य अस्ति एटु दूध दुग्धः उत्तमम् धेनु प्रजाति खिल्लरी गिर च अस्ति खिल्लरी नाम किम उत्तम महोदय खिल्लरी 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 जाति का ओके खिल्लरी महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य का दूध कंपनी प्रजाति अस्ति दुग्ध प्रजाति धेनु प्रजाति प्रजाति गौ माता प्रजाति खिल्लरी देवनी पुंगनूर अरे पुंगनूर ये पुंगनूर वाले नवीन जी आप पूछ रहे थे ना आम आम पुंगनूर के ही तो है अरुण जी मम नगर है पुंगनूर अस्मि तो पर्वतः उपरि किम् अस्ति ये आपने पूछा था और उसका उत्तर आया था अरुणः अस्ति फिर अरुण जी ने प्रश्न पूछा ना ना चलिए तो पूछिए ओके आई विल आस्क लेट मी प्रश्नः पृच्छतु अरुण महोदय पच्यति पच्यामि पच्यामि पृच्छतु देखो अभी हम यहाँ लिख भी देते हैं उसको पृच्छतु तो पृच्छ जो है I am minimal respectful. I am asking you with respect. Please ask a question. Prachatu. Okay. Please ask. Prashnaha Prachatu is please ask a question. Okay. Dhanyavad. Dhanyavad. तो इसमें तू लगाया तो वो निवेदन हो गया प्रार्थना जैसे ओके विद रिस्पेक्ट यदि जब आप उत्तर देंगे तो आप बोलेंगे हाँ पृच्छामि पृच्छामि मतलब मैं पूछता हूँ और फिर मैं बाकी और लोग यदि कक्षा में होंगे तो मैं उनको बोलूंगा शांत भवतु अरुणः प्रश्न पृच्छति शांत भवतु अरुणः प्रश्न पृच्छति सर्वेषां सर्वेषां शांत भवतु अरुणः प्रश्न पृच्छति भवतः चमस्य 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 महोदय ओ सडनली वो आ गया मेरा दोस्त वो जो था बात कर रहा था जो जोर से परंतु इदानी अरुण शांत भवति अस्तु अस्तु महोदय हम बाकी कक्षा को शांत कर रहे थे और अभी आप ही शांत हो गए अस्तु ठीक है अब मैं पूछता हूँ क्या पूछेंगे इस पर इस पृष्ठ पे एतत् पृष्ठे ओके ओके वो तरु के बारे में भी पूछ सकते हो क्या कुछ भी वाण okay. तरु ढोल okay. पर्वत कुछ भी पर्वत उपरे अरुणस्य अरुणस्य किम वर्णम अस्ति उत्तमम् पर्वतः उपरि महोदय महोदय भवतः वाणी बेबी हाँ नहीं फिर से बोलता हूँ मैं
पुनः वदत वदत वदामि अस्तु अस्तु पर्वतः उपरि अरुणस्य वर्णः पित्तलः अस्ति धन्यवाद धन्यवाद उत्तम महोदय और पित्तलः नहीं तो स्वर्ण महोदय स्वर्ण भी कह सकते हैं क्या हाँ स्वर्ण वर्ण भी चलेगा पीत वर्ण या स्वर्ण वर्ण महोदय क्योंकि हर एक की आंखों को अलग अलग दिख सकता है ना आपको पीला लग सकता है मुझे स्वर्ण लग सकता है वही मैं स्वर्ण लगा के अच्छा था स्वर्ण वर्ण अच्छा बोला आपने मतलब सुनहरा बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण अच्छा शब्द है धन्यवाद हेलो ओके अस्तु महोदय पश्चितु पश्चाम पश्चिति इदानी मम यवनिका पश्यतु आम महोदय मम मुद्रिका किम वर्णः अस्ति मुद्रिका का मतलब जो अंगूठी है ना वो है ना अंगूठी हाँ मुद्रिका अंगूठी वो सिल्वर को क्या बोलते हैं महोदय हाँ तो जैसे स्वर्ण वर्ण बोला वैसे ही सिल्वर के लिए क्या होता है नवीन जी आपको लेट मी मामा हम क्या ट्राई को क्या बोलते हैं प्रयत्न करोमि अहम प्रयत्न करोमि अहम प्रयत्न करोमि महोदय नवीन महोदय बहुत आप भी कीजिए मैं भी करता हूँ देखता हूँ सिल्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं मैं सुना हूँ पर भूल गया हिंदी मम मुद्रिका मैं तब तक यहाँ पे लिख देता हूँ जब तक तेरा रुको महोदय मैं इसे तो एक बार चेक कर लेता हूँ रेफर करता हूँ रजतम वर्णम अस्ति महोदय रजतम वर्णम अस्ति रजतम वाह रजतम रजतम उत्तम महोदय उत्तम नमः महोदय एक साथ बोलेंगे तो रजत वर्ण भी बोल सकते हैं जैसे पीत वर्ण रजत वर्ण वैसे रजत वर्ण हाँ रजत हाँ महोदय अंशु महोदय उसको क्या बोलते हैं महोदय लिखा है ना यवन मम यवनिका लिखा में मुद्रिका 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 रजत वर्णम अस्ति उत्तमम मुद्रिका आमाद अन्य प्रश्न पृच्छामि प्रतीक्षा करो तू प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो नवीन महोदय एतत् मुद्रिका किं वर्णम् अस्ति एतत् मुद्रिका किं वर्णम् अस्ति ए तो कॉपर कॉपर को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं नवीन महोदय कॉपर रागी महोदय भवतः वाणी फिर से ज्वाइन होता हूँ छोड़ के हाँ हाँ ठीक है ठीक है कर लीजिए ये है अरुण जी कापर वर्ण कापर वर्ण ये है ये ट्राई करता रे रेफर रेफर वेट 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 महोदय ये लिखा है ना रुको रुको Thank you.
हरे नमो नमः शिव शिव सर्वेषां नमो नमः नमो नमः सर्वेषां नमो नमः नवीन महोदय नमो नमः नमो नमः तो किं वर्णः अस्ति मम अन्य मुद्रिका ओ या या ताम्र इट्स इन कन्नड कन्नड आल्सो द सेम वर्ड यूज्ड ताम्र ताम्र संस्कृत ताम्र वर्णः अस्ति ताम्र वर्णम् अस्ति कन्नड में ताम्र है तो आपके इसमें तेलुगु में क्या बोलते हैं रागी 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 ओके रागी बोलते हैं बिकॉज रागी का भी वही कलर होता है ना रागी भी ब्राउनिश इज इज करेक्ट नवीन महोदय आप ही बोलना पड़ेगा हां मां तेलुगु में रागी रागी रंग बोलते हैं हां रागी रंग ओके आई थॉट देयर इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव वर्ड फॉर दैट इन तेलुगु साइंटिफिकली रागी के लिए scientific is there any scientific word like other words alternative in telugu for ragi ragi yeah ragi amad I don't know of any other scientific words ragi scientific hi hai na because ragi jo grain hota hai wo brown color ka hi hota hai मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं ना वो कोई और होगा ऐसा समझाता है कुछ नहीं था जैसे रागी खाते हैं ना हम लोग रागी की रोटी खाते हैं रागी का डोसा खाते हैं खाते हैं तो वो यही कलर का तो होता है इसलिए वो भी चलेगा रागी वो हां अभी एक चीज और ध्यान दीजिए कि पर्वत जो है वो तो हमको आम संस्कृत में भी बहुत देखने मिलता है पर एक और शब्द है पर्वत के लिए वो है थह ये जो दिख रहा है यहां पे थह तो क्योंकि ये अभी जो वर्ग चल रहे हैं ये त वर्ग चल रहा है तो त से हमने तरुह देखा और फिर थ से थह ये त थ द ध न वाला चल रहा है था यदि आपको कभी कहीं किसी श्लोक में या कहीं पुस्तक में पढ़ने मिलेगा तो आपको ध्यान आएगा कि ये था मतलब भी पर्वत होता है जैसे श्री शैलम थह तिरुमला थह महोदय चलो अग्रे गच्छामि एतत् किम् अस्ति आर और द्राक्षे नहीं 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 तो इसको एंट 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 को क्या बोलते हैं पता नहीं नवीन महोदय पीपीलिका पीपीलिका से कैसा है ओके मतलब चींटी एंट हिंदी में हम चींटी बोलते हैं हाँ चींटी बोलते हैं इंग्लिश में एंट और संस्कृत में पीपीलिका मैंने मेरा बेटी को पूछा क्या बोलते हैं वो पता नहीं बोल रहे हैं जब आप आपका आवाज सुनी पीपी लिखा वो बोल रहे हाँ हाँ पीपी हाँ उस पुस्तकों में आता है एंड तो बहुत कॉमनली दिखाते हैं उसमें हाँ हाँ संस्कृत भारती की और दूसरी भी पुस्तकें होती हैं मेरे पास तो मध्य पिपीलिका अग्रे कति पिपीलिका अस्ति अरुण महोदय अग्रे अग्र मींस व्हाट आई मीन मध्य पिपीलिका इदम अस्ति मध्य पिपीलिका अग्रे ओ मध्य पिपीलिका इज अग्रे अस्ति हां महोदय
तो मध्य पे अग्रा मींस अग्रे नियर अग्रे मींस आगे फ्रंट आगे ओके फ्रंट जैसे बोलते हैं ना अग्रज अग्रज और अनुज क्यों होता है अग्रज 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 राष्ट्र हाँ तो अग्रज क्यों बोलते हैं क्योंकि अग्रज का मतलब है जो आपसे पहले जन्म लिया जिसने तो अग्रज इसलिए अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई बिग ब्रदर क्योंकि वो आपके पहले जन्म हुआ उसका और इसीलिए अनुज अनुज जो होता है वो आपके बाद जन्म लिया इसलिए वो अनुज है आपने महाभारत में रामायण में सुना होगा अनुज वो राम अनुज जी, को बैग बोलते हैं क्या मतलब जी, वो लोग एक दूसरे को अनुज और अग्रज ऐसे भी बोलते हैं भी कभी कभी बहुत कैसे हो बहुत अग्रज अस्ति वो कंपेयर कैसे करते हैं मतलब आप मुझसे अग्रज है जो पहले जन्म हुआ वो अग्रज है नहीं नहीं वो संस्कृत में कैसे बोलते हैं मैंने जो अब बोला ना एक आप मुझसे अग्रज है उसको बड़े ओ ऐसा बोल भगवान मम अग्रज अस्ति मतलब आप मेरे बड़े भाई हैं आप देखो अग्रज बोलेंगे तो बड़े भाई ही हो गया उसका मतलब ऑलरेडी यही है कि बड़े भाई भी हैं और आप मुझसे बड़े हैं या आप मुझसे पहले आए हैं जन्मे हैं धन्यवाद अग्रज अनुज एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर भजन स्टार्ट हो गया महोदय भजन आपके घर में नहीं 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 वो दिन में 5 बार बोलते हैं ना बाहर वाला भजन पागल भजन उसको भजन मत बोल वो भजन क्यों बोल रहा है उसको सच में वो तो धोखा है सॉरी क्या मतलब हो गया बोल क्या मतलब चिल्लाना चिल्लाना कुछ बोलते हैं ये भजन एक संस्कृत वर्ड है रेफर कर सकते हैं ना उसको जैसा ट्रोलिंग लैंग्वेज में करता है तो इसकी शिकायत कर दीजिए ये तो गैर कानूनी है कानून के अनुसार नहीं है हाँ इधर लोग करते नहीं द रीजन इज मे बी इट मे कॉज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हिम कॉन्फ्लिक्ट तो सही है ना हमको कॉन्फ्लिक्ट के बिना तो ये लोग को समझ में नहीं आता है पर इधर मींस द पीपल हु आर लिविंग दे वांट मोस्ट पीस इन दिस एरिया वेटिंग फॉर कि हमारे घर में घुस के वो लोग यही सब करने लगे बाद में वो समझते नहीं सर्वम स्वार्थम आज वो यति नरसिम्हानंद स्वामी जी का मैं भेजूंगा ना अभी तो आप उसमें देखिएगा आपको समझेगा हाँ हाँ जरूर जरूर नो मिसिंग महोदय उसमें भी यही बात हो रही है यही लोगों को तो जगाना है हम सो रहे हैं सब तो वो वही बोल रहे थे वो जगा रहा है कि दूसरों पे मत ध्यान दो वो यही बोल रहे थे कि आप दूसरों पे मत ध्यान दो लेकिन अपने लोगों को जगाते रहो अभी सिर्फ 5-10% ही लोग हैं वो 5% को 30-40% तक लेके आ जाओ जो जागृत हो चुके हैं अपने भारतीय अब बहुत ही अच्छा हो रहा है मतलब मींस इन मेनी सोशल मीडिया इवन इन तेलुगु आल्सो दे आर क्रिएटिंग पेजेस फॉर दिस अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है तो वही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी सही बातें कि अब तो बस सो नाउ दे आर अवेकनिंग एंड बी बिकमिंग अवेयर अबाउट दिस तब तो फिर सब लोग एक साथ निकलेंगे और जहां जहां लाउड स्पीकर लगे उठा के फेंक देंगे निकाल के इट्स लाइक दिस पीपल हु आर हियर मींस दे आर बिजी इन वर्किंग बिजी इन व्हाट वी से दैट feeding their family so they don't bother about these things at all ye aap hai bahut acha hai magar kal ek 10 20 saal ke baad aapka family nahi rahegi feed karne ke liye yeah this is the actual truth but kya kare log kaise samjha nahi sakta ha aisa direct nahi samjha ko sakte ha वो डायरेक्टली ऐसा ही अटैक नहीं कर सकते ना अबे राइट सो वी हैव टू बी क्रिएटिव एंड डिवाइस मेथड्स फॉर
हमें ढूंढना पड़ेगा ऑफकोर्स person is, so we have to develop relationships, all that work hamara bhi kaam karna hai. But so I think the people who are living local means their native place, they are they have that much courage, but the people who are like migrants, workers, so that kind of workers don't bother about these things because since it's not their native place. If they try to do that, maybe it would be difficult for them. So they think that type of thing. Yeah, but at least local should be strong. Local should be strong. Yeah, that's the point. Yes. So इसी को पूरा तरह से everyone is dealing with. हाँ मोहन अभी वापस आ जाओ वापस आ जाओ. Oh God, किधर किधर चला जाते हम लोग. मध्य पिपीलिका पुरतः कति पिपीलिका अस्ति मध्य पिपीलिका पुरतः अग्रज पिपीलिका अस्ति अग्रज मतलब बड़ी मतलब या फिर एल्डर तो एल्डर यदि आपको मालूम है तो ठीक है चलेगा हो सकता है वो बड़ी चिट्टी हो बड़ी बहन हो या छोटी बहन है नहीं वो तीन डाले है ना पर मैंने मम प्रश्न है कति पिपीलिका मध्य पिपीलिका पुरतः कति पिपीलिका कति कति इज व्हाट कति का क्या अर्थ है हाउ मेनी हाँ कितने हाँ कितने ओके एक हाँ पिपीलिका अस्ति कति हाउ मेनी पिपीलिका थ्री आई मीन अग्रे मीन्स एक पिपीलिका अस्ति एवं मध्य पिपीलिका पृष्ठतः कति पिपीलिका अस्ति नवीन महोदय मध्य पिपीलिका पृष्ठतः एकः पिपीलिका अस्ति तो अब ये अंतर समझा पुरतः और पृष्ठतः आम महोदय पुरतः पृष्ठतः ओके महोदय स्क्रीनशॉट ले लेता जब मैं कागज पेन लेके बैठे हैं कि नहीं नहीं मैं किसी मतलब किसी और के घर में हूँ इसीलिए तो उसका कागज पेन ले लो ठीक है मध्य पिपीली का ऊपरी कति पिपीली का ओके बाजू में एक एक पिपीलिका अस्ति तो ये ऊपरी ऊपर ऊपरी ओके ओके मध्य पिपीलिका पुरतः पृष्ठतः और मध्य पिपीलिका अधो कति पिपीलिका अस्ति अधे अधे अधो ओके अधो दो को द्वि कह सकते हैं क्या द्वि द्वि पिपीलिका अस्ति हाँ हाँ महोदय द्वि पिपीलिका अस्ति तो अब द्वि जो है द्वि का तीन रूप होते हैं पुल्लिंग में द्वौ होता है ठीक है पुल्लिंग द्वौ अस्ति और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे द्वे दोनों एक ही है स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग द्वे द्वौ द्वौ द्वे द्वे ठीक है तो अब जब आप द्वे पिपीलिका बोलेंगे तो वो उच्चारण की दृष्टि से भी सही हो जाएगा और यदि पिपीलिका को आप लड़का समझ रहे हैं तो द्वौ बोल सकते हैं और लड़की मान रहे हैं तो द्वे वो लड़का है जो भी चाहे मतलब लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है चीटा भी हो सकता है चीटी भी हो सकती है चीटा
चीटा भी कहते हैं क्या? चीटा इज पुलिंग, चीटी इज थ्रिलिंग, ये हिंदी में थ्रिलिंग। चींटा। तो मध्य पिपीली का अधो कति पिपीली का अस्ति? मध्य पिपीली का अधो द्वौ पिपीली का अस्ति, पिपीली का अस्ति। तो अब देखो, जब एक पिपीली का थी तब तक तो अस्ति चलता है। ओके, अस्तु अस्ति, ठीक है। अस्ति जो है एक वचन है। ओके, अब जब दो हो गई तो ये हो जाएगा स्तः। ओके, पिपीली का स्तः। हाँ, और दो से ज्यादा यदि होती, तीन होती, चार होती, पांच होती, तो फिर संति। ओके, पिपीली का संति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अस्ति स्तः संति। पिपीली का द्वयम् संति, पिपीली का द्वयम्, पिपीली का त्रयम् संति। भवस्ततः स्तः दोस्तः। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं अभी जो नवीन जी बोल रहे हैं। और यदि आप पिपीली का के पहले शब्द लगाना चाहते हैं द्वे या द्वौ, तो फिर वहां पे द्वयम् की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना नवीन जी की। आम आचार्य महोदय। आम पिपीलिका के बाद में यदि आप उसका नंबर बोल रहे हैं तो वो द्वयम् भी चलेगा, द्वे पिपीलिका भी। ठीक है, ठीक है। तो ये चारों समझ में आए आपको? पुरतः, पृष्ठतः और ऊपरी और अधो। पुरतः, पृष्ठतः, ऊपरी, अधो। तो अब हम थोड़ा सा और इसको परिष्कृत करते हैं। उशी बालिका अस्ति, बालिका अस्ति, अभी ऊपरी, ऊपरी पुरतः, पृष्ठतः, ऊपरी, अधः। ये 3D है, ये दिख रहा है ना 3D? हाँ महोदय, x-axis और ये z-axis, ठीक है, 3D। तो अब 3D में ऊपर तो ऊपर ही है, उसको एक मिनट में थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। ऊपरी और ये अधो, अधो। जेड जो है इसका पुरतः है ना, लड़की के आगे। हाँ महोदय, बालिका पुरतः, पुरतः, फ्रेंड, वो साइड को क्या बोलते हैं? जेड के पीछे इधर क्या होगा? ये तो बैक साइड, पृष्ठतः। हाँ, पृष्ठतः, 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 साइड को। अब ये इसका लेफ्ट साइड है। ओके, और ये इसका राइट साइड है ना। तो बालिका वामतः, वामपंथ सुना है ना, वामपंथ, वामपंथी, या उल्टा चलने वाले, तो वो लेफ्ट साइड इसलिए बोलते हैं वामपंथी। यहाँ सुना, मुझे पता नहीं था कि उसके हिंदी में भी वो वामपंथी का मतलब ही नहीं पता मुझे, संस्कृत बोल रहे थे वामपंथी, वामपंथी। और इवन जो मैं समझ रहा था कि जो घड़ी चलती है ना अपनी, क्लॉक, तो हम जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं दक्षिणतः। दक्षिणतः मतलब महोदय साइड को क्या बोलते हैं? राइट, मतलब जो राइट साइड है वो किसको?
नहीं वो साइड है ना जो वर्ड, उसका संस्कृत में क्या होगा? दिशा? नहीं, हाँ दिशा बोल सकते हैं। साइड। ओके हाँ महोदय। अब उपयोग पे निर्भर करता है, जैसे आपको बोलना है मम समीपे कुकुरः अपनी पे अस्ति, तो से समीपे बाजू बोल सकते हैं, तो बाजू में या पास में बोलना है तो आप वैसे बोल सकते हैं। मम समीपे अग्रे मम अग्रे माता अस्ति, मम पुरतः मम माता अस्ति, मम पृष्ठतः मम पिता अस्ति, मम वामतः मम भगिनी अस्ति, मम दक्षिणतः मम दक्षिण अग्रजः अस्ति। तो किधर कौन महोदय। है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि मेरे आगे मेरी माता है, मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा है, मेरे लेफ्ट में मेरे पिताजी हैं, मेरे राइट में कौन, ऐसे। तो दिशाएं, ये हम दिशाओं के लिए सीख रहे हैं आज। तो हाँ महोदय। ये दिशाएं समझ में आई? नवीन जी आपको ये इनमें से कुछ कुछ मालूम है? वामतः दक्षिणः, दक्षिणतः तो ये छह मात पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः हाँ और पुरतः ऊपरी अधः, पृष्ठतः ऊपरी अधः वो। अतः ये कॉमन हो जाएगा सबके साइड में। दक्षिणतः क्या कॉमन हो जाएगा? पुरुष वो तहा तहा है ना, अतः ये अतः सही डायरेक्शन ज्यादातर नहीं। माताओं में अतः लगता अतः है। नहीं, वो पृष्ठतः सिर्फ अधः वामतः थोड़ा अलग है, इसमें पुरतः। ध है, त नहीं है। हाँ अधः हाँ में ओके ध ओके होता है जो महाप्राण है, और बाकियों में वामतः पृष्ठतः वो अल्प प्राण है। ठीक है, तो अब हम इसकी परीक्षा लेंगे अगले कक्षा में। मतलब मैं कुछ कुछ बनाऊंगा, ओके उसके ऊपर कुछ रखूंगा, उसके नीचे कुछ बनाऊंगा, उसके लेफ्ट में कुछ, राइट में ऐसे, और फिर हम एक एक करके एक दूसरे से प्रश्न करेंगे कि तत् पृष्ठतः किमस्ति, तत् वामतः किमस्ति, तत् अधो किमस्ति, ऐसे अलग अलग हम पूछने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। भारत देश बनाएंगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया विचार है। भारत देश कंट्री का पूरा, सागर। हेलो ऐसे भारत देश से मानचित्र बनाएंगे, और फिर हम उसके आगे पीछे कुछ कुछ बनाएंगे, ये हिंद महासागर, फिर इधर बंगाल बंगाल। बंगाल की खाड़ी, फिर ये अरब महासागर, फिर ऊपर तिब्बत का अरब पठार महासागर मतलब महोदय सी को सागर कहते हैं क्या? सागर। हाँ, क्या समुद्र महासागर? अरब का महासागर इज तो ओशियन। महासागर नहीं है, सागर है बस। अरब सागर है, अरब ओके महासागर नहीं है, हिंद ओके महासागर है। ये जो वो हिंद समुद्र महासागर, नहीं बोल सकते क्या महोदय? हाँ समुद्र भी बोल सकते हैं। समुद्र वो बोल सकते हैं। हाँ ओके हमारे शास्त्रों में तो ज्यादातर अधिकतर जगहों पे समुद्र देवता ही है। हाँ जैसे राम महोदय। जी हाँ ने जब राम सेतु बनाने के पहले राम से तो जब बनाया एक पूज रिटन प्रार्थना का की वो थी, विजिबल प्रूफ। तब प्रार्थना की थी समुद्र देवता की, तो फिर उनसे बोलने के लिए कि ये रास्ता दो। हाँ गंगा माता। अरे गंगा जी का एक नया पता चला है, वो बहुत उत्तम है। आपको मालूम पड़ा क्या नवीन जी, अरुण जी? नहीं, आप ओ भवतः अरुण वदतु। जी आप कुछ बोल रहे थे? वो मुझे लगता है वही है ना, वो जरा मतलब सेल्फ को क्लीन रखता है वही क्या? अरे वो तो बहुत बात की बात है। हमारे जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने बहुत साफ साफ बताया है कि जैसे उसको एक रूपक,
रूपक अलंकार की तरह दिया कि गंगा जी जो है शिव जी की जटाओं में से निकली, शिव जी के जटाओं में से, और वो धरती पे आई और उनको भगीरथ जो है भगीरथ महाराज लेके आए। हाँ महर्षि, हाँ लेके आया था। हाँ तो अब इसमें असली में क्या कथा है कि जो दिलीप महाराज, दिलीप थे महाराज, दिलीप का नाम सुना है, जिनके पुत्र थे भगीरथ। हाँ ओके, दिलीप महाराज के पुत्र भगीरथ जो हैं, उनके और भी भाई थे। भगीरथ मतलब दिलीप महाराज के और भी पुत्र थे, भगीरथ उनमें से एक पुत्र थे, सबसे छोटे थे शायद वो, और भी पुत्र थे। ओके ओके, और दिलीप महाराज ने उनका बहुत बड़ा राज्य था ये अपना जो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत वाला जो जगह है उधर के तरफ थे दिलीप महाराज, दिलीप। तो उधर बहुत सूखा पड़ने लगा, तो पूरा ड्राई होने लगा था सब जगह पे। तो उन्होंने सोचा कि अब हमको नदी लेके आना पड़ेगा, मतलब पानी लेके आना पड़ेगा हिमालय से। तो अब वो ढूंढने निकले, तो अब बाकी पुत्र जो हैं वो लोग नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश की पर कोई भी नहीं कर पाया। तो अब भगीरथ ने प्रण लिया कि मैं लेके आऊंगा। तब वो गए, फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत सालों तक उसकी योजना बनाई कि कैसे होगा क्या होगा। फिर उनने जब गंगोत्री जैसे एक धारा मिली कि हम इस धारा को लेके आएंगे, तो अब उनने बहुत सारे उस समय जो है ना गणना की कि यहाँ पे जैसे गंगोत्री है, अब गंगोत्री की जो ऊंचाई है वो लगभग 3,000 meters है, ठीक है, तो जो भी है वो मीटर में, और उसको अब वो बहुत ऊंचे पे है, उसको यदि हमारे ये हरिद्वार के पास में जहाँ पे समतल भूमि है, फ्लैट है, प्लेन है, वहाँ पे लाना है, तो उसकी जो दूरी है वो सिर्फ 140 kilometers है, 140 kilometers फ्रॉम गंगोत्री, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन वो उतने किलोमीटर के अंदर उसको 3,000 meters नीचे उतरना है, तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा फोर्स जो है धरती संभाल नहीं पाएगी, मतलब वहां जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 3 kilometers है ना, 3,000 meters बोले थे। हाँ 3 kilometers वर्टिकली, 3,000 meters वर्टिकली हाइट। तो विद इन 140 kilometers इट हैज टू कम डाउन ऑलमोस्ट 2,500, जैसे हरिद्वार की हाइट मान लो 500 meters है, तो उतना नीचे तो आना ही पड़ेगा ना उसको। करेक्ट, तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल था। तो उस समय भी सोचो भगीरथ के समय भी उन्होंने पूरी गणना की, उनको समझ में आया कि ये हो ही नहीं सकता, ये करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि हिमालय के पर्वतों में उन्होंने ऐसे खुदाई करनी, ऐसा योजना बनाई कि बहुत सारी उसकी पतली पतली धाराएं निकालेंगे अलग अलग जगह से, छोटी छोटी, और पूरे पहाड़ में गोल 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 ऐसे घूम घूम के धीरे धीरे वो हरिद्वार तक पहुंचेगी। तो पतली पतली धाराओं से क्या हुआ कि उसका फोर्स कम हो गया, और फिर अब वो हरिद्वार में आके पूरी गंगा जी जो है बड़ी गंगा जी बन गई। तो इसका जो आपने रूपक लिया ना, तो वो ऐसा है कि दूर से जैसे हिमालय को देख रहे हो, तो उसमें क्योंकि बहुत सारी गंगा की धाराएं दिख रही हैं, तो वो दूर से ऐसे देखने पे ऐसा लगता है कि शिव जी बैठे हैं और उनकी जटाओं में से नदी निकल रही है। तो वो असल में हिमालय पर्वत पे गंगा निकल रही है और फिर वो नीचे आके मिल जाती है। तो हम जो कथाओं में सुनते हैं ना कि शिव जी की जटाओं में से गंगा जी निकली और उन्होंने उनकी प्रार्थना की तो गंगा जी धरती पे आ गई, और शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में इसलिए लिया ताकि धरती पे उसका फोर्स, उसका जो ताकत है वो नहीं आए, तो उसका असली कहानी यही है कि भगीरथ राजा जो है उन्होंने बहुत प्लानिंग की, उनको बहुत साल लगे ये सब करने में, क्योंकि पहाड़ में नदी की धारा बनाना कोई आसान थोड़ी ना काम है। और उन्होंने पूरी खुद खुदाई की, और भी बहुत लोग थे उनकी मिलके, उन्होंने भी उनकी सहायता की, पर योजना बना के उन्होंने गंगा नदी को नीचे लेके आए, और फिर हरिद्वार के बाद तो वहां से वो प्लेन हो जाती, फ्लैट हो जाती है। तो ये असली कहानी है, मतलब गंगा जी के ऊपर ये, वो भी आपको उसमें मिलेगा, सरोज बालाजी जो है ना, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था उसमें वो भी मिलेगा आपको अभी, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार हमारे सारे रामायण महाभारत वेद पुराण सबके ऊपर इतनी मतलब प्रॉपर ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि वो सब रियल में हुआ है,
तो कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका एक्चुअल मतलब ये टाइम। हो गया कि महादेव जो रूपक कल्पना हो गई, मतलब शिवा जी है ना, वो हाँ वो गंगा कल्पना को है। लाए थे ना महर्षि, हाँ तब हाँ कल्पना बन जाएगी तो वो थोड़े लोग बोलेंगे कि वो शिवा नहीं है, ये सूर्य कल्पना है, क्या कर। नहीं, वो हमारे समझने के लिए है। शिव जी तो देखो, शिव जी भी एक मनुष्य थे, राम जी भी एक मनुष्य थे, कृष्ण जी भी एक मनुष्य थे, ये तो हमको भी मालूम है कि वो एक अलग अलग अवतार थे। अब अवतार हम कब बोलते हैं, जब कोई भी मनुष्य ऐसे ऐसे काम करने लगता है जो कि आम आदमी सोच ही नहीं पाता। मतलब अपने पिता के कहने पे, अपनी माता की वचनों की सम्मान रखने के लिए और पिता के शब्दों का सम्मान रखने के लिए जो मनुष्य अपने परिवार को छोड़ के, राज्य को छोड़ के, और वो राजा है, राम जी तो राजा थे ना उस समय, वो 14 वर्ष के लिए जंगल में, वन में चले गए अपने पिता के शब्दों का सम्मान करने के लिए। तो ये लोगों को जब ऐसा दिखता है कि बाप रे इतना बड़ा काम कौन कर सकता है, तो फिर उसको वो भगवान कहने लगते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुक्ति दिलाई, बहुत सारे लोगों को उन्होंने शक्ति, मतलब उनको संगठन करना सिखाया। राम लक्ष्मण जी बहुत, उन्होंने बहुत काम किए। जब वो पूरे रास्ते भर जो अयोध्या से निकले, फिर वो लोग पहले इस तरफ हरिद्वार, इलाहाबाद, हरिद्वार जो प्रयागराज है, वाराणसी उस तरफ गए, फिर उधर से ऐसे निकले महाराष्ट्र में नासिक वाले, नासिक प्रयागराज, की तरफ आए, नासिक में काफी समय रहे थे। फिर उसके बाद वो हम्पी जो कर्नाटक में है, उधर हम्पी जो एरिया है वही हाँ सुग्रीव वाली वाला एरिया, किष्किंधा जो है वही है हम्पी। ओके किष्किंधा भी उधर ही है। हाँ, और उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़े। तो अब देखो पूरे भारत में वो कहाँ कहाँ गए, ये भी आज सब लोगों को पता चल रहा है, और मतलब उसके असली जो स्थान है वो भी पता है, सबको पता चल रहा है। तो ये सब धीरे धीरे अब सोचो, अब ये, और ये पैरों पैरों में कर रहे हैं, वो लोग पैदल पैदल चल के गए सब जगह, ऑन फुट, जो भी रास्ते में आए, नदी आई तो पहाड़ आया, जितने लोग रास्ते में मिले सबको उन्होंने, जिसकी जहां जो मुश्किलें थी उनको, उसको सॉल्व करना, उसको कैसे ठीक करना है, वो सब हाँ, सिखाया, क्योंकि उनको बहुत अच्छा और गुरु ने, महर्षि ने। महादेव वो मतलब राम गए हैं ना, वो रूट, उस रूट में जो जो वो क्या बोलते हैं, पौधे है ना, हाँ जो पौधे की तरह की वो संस्कृत में इसका क्या हुआ, मतलब मेंशन किया है वो। अब एक नए इतिहासकार ने उसको रिसर्च करके देखा तो सच में उस रूट में कैसा डिफाइन हुआ है, वैसे ही पौधे है, मतलब जैसे चाहते रहे तो आपको मिलते रहेंगे वो सब पौधे तो उसके वही एरिया। बहुत सारी सच्चाई अभी पता चल रही है, बहुत लोगों को अभी पता चल रही है, तो कई सारे इतिहासकार उसमें लगे हैं। तो हमारे लिए तो ये है ना कि अब मैं वही बता रहा था कि अब जब वो दो तीन लोगों ने मिलके पूरे भारत, आधे से ज्यादा भारत को पैर पैदल पैदल पूरा कवर किया, इतने सारे काम किए, इतने सारे लोगों को संगठित किया, अंततः वो रावण का नाश किया, तो इसलिए उसको, उनको भगवान का दर्जा देते हैं लोग, कि ऐसे काम जो आम लोग सोच ही नहीं पाते या उनको टाइम ही नहीं मिलता, उनको लगता ही नहीं कि हम ये सब कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान बोलने लगते हैं, हाँ है ना। तो भगवान वैसे ही बनते हैं, हम भी भगवान, मतलब हम में भी ब्रह्म का अंश है, हर किसी में ब्रह्म का अंश है। हाँ हम परमात्मा के एक भाग है। हाँ, अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। तत्वमसि, तो इसीलिए हाँ आप, ये हमारे समझने के लिए है कि शिव जी कौन है और राम जी कौन है और कृष्ण जी कौन है। बाहर का कोई जो जिसको समझ में नहीं आता, उसको भी समझाने के लिए हम ये बातें बता सकते हैं, यदि उसको समझता है तो ठीक है, नहीं तो वो ये सोचेगा कि आप भगवान कोई और है ऐसे समझते हो, तो ठीक है, जो समझना नहीं चाहता वो नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि शिव जी कोई। हाँ जैसे शिव जी जो हैं जंगल में रहते थे, और जंगल की तरह से जैसे आजकल आदिवासी कैसे रहते हैं, वो लोग भी तो वैसे ही रहते हैं, आदि बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं, थोड़ा बहुत पहनते हैं, फिर उनके राख वाख मिट्टी विट्टी लगा के रखते हैं, तो ऐसे शिव जी आराम से वैसे रहते थे। उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो नॉर्मल लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते,
इसलिए शिव जी को भी बिल्कुल भगवान का दर्जा है। वो तो हिमालय पे बिल्कुल ऐसे आदिवासी की तरह से रहते थे, आदि योगी जो, उन्होंने तो दुनिया को योग दिया है, सबसे बड़ी चीज योग की विद्या, योग दान। योग दिया है और बहुत सारे दिए हैं सप्तऋषियों। सबसे पहले तो सप्तऋषि को ही दिया था शिव जी। कौन कौन है उसका नाम पता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगस्त मुनि हैं, सात ऋषि हैं, व्यास ऋषि थे, अगस्त मुनि थे, नाम ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। सात ऋषि थे उस समय, नाम हम भी, मुझे भी पूरे याद नहीं है, पर मिल जाएंगे। सदगुरु की कहानी सुनेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। चलो अब निकलते हैं, मेरा अभी 4 मिनट बचे हैं। जो 2% हो गया महादेव। हाँ, सर्वेशाम नमो नमः, शुभ रात्रि, नमो नमः, पुनर्मिलामः। तो आपको कुंभनूर के अच्छे ब्रीड बताना है ना, बहुत अच्छा नस्ल का दिखाना है मुझे। हाँ, मिला तो फोटो डाल के दे दूंगा मैं, दूंगा आपके चित्तूर आके आपसे। ओके महोदय, यस महोदय, आप आ सकते हैं, मैं भी इसके लिए। हम सब आएंगे, तैयार रहना। हाँ, उधर एक गौशाला को देखना पड़ेगा, उधर गौशाला भी नहीं है, क्या करें। क्या आपके पास गौशाला नहीं है? मतलब हाँ, हमारे पास नहीं, और मेरा, मुझे नहीं पता कि हमारा गांव की आसपास कोई गौशाला है, मतलब वो गौ को पालते हैं। हाँ, पर गौशाला मतलब वो स्पेसिफिकली होता है ना, उसका गौशाला कुछ नहीं है, मुझे लगता है, मैं देखता हूँ, ये तो मैं आपको इन्फॉर्म कर लूंगा महोदय। हाँ, नहीं, मैं तो बना लो। प्योर ब्रीड का देख रहा हूँ, पोंगनूर प्योर। हाँ, ओके ओके, हाँ महोदय, इसका तो मिला तो उसका फोटो डाल के बेच लूंगा, आपको चाहिए था। हाँ, के ले लीजिए। हाँ, उत्तमम उत्तमम। चलो, सर्वेशाम नमो नमः, शुभ रात्रि, नमो नमः, सुनाता महोदय, सर्वेशाम नमो नमः, पुनर्मिलामः, सप्ताह पुनः पुनर्मिलामः।